गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 3 इसका रिवीजन करवाने जा रहा हूं, जिसमें ग्लोब्स एंड मैप्स, ग्लोब और मैप के बारे में दिया गया है। तो आइए मैं आपका रिवीजन करवा दूं। देखिए, अब जैसे दिया गया है इस चैप्टर में कि लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज टू फाइंड और सर्च प्लेसेस ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। मतलब कि हम लोग जो है अब लर्न स्पीकिंग अबाउट द डिफरेंट वेज, मतलब विभिन्न तरीकों के बारे में टू फाइंड और सर्च प्लेसेज ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। मतलब धरती पर विभिन्न जगहों को जो है वह ढूंढने के लिए जो है वह हम ग्लोब्स और मैप की सहायता से किस प्रकार से खोज सकते हैं उसके बारे में। व्हेन वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम स्पेस, जब हम धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं तो इट लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल, तब यह जो है विशाल गेंद के जैसा दिखाई देता है। We are unable to see the whole earth at one time because it is round and very big. हम लोग जो है धरती को एक ही समय में एक बार में उसके पूरे भाग को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यह जो है गोल है और यह काफी बड़ा है। इसीलिए अब देखिए ग्लोब क्या है। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब जो है वह धरती का नमूना है। इट हेल्प्स, मतलब बिल्कुल धरती की तरह ही है। इट हेल्प्स अस टू सी डिफरेंट प्लेसेज ऑन अर्थ, यह हमें मदद करती है टू सी देखने में। डिफरेंट प्लेसेज ऑन अर्थ, धरती पर विभिन्न जगहों को देखने में जो है ग्लोब हमें मदद करती है। वी नीड टू स्पिन द ग्लोब टू सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ, हमें जरूरत होती है ग्लोब को घुमाने की ताकि हम उस धरती के पूरे भाग को देख सकें। अब देखिए मैप्स एंड एटलस, मैप और एटलस के बारे में अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे दिया है कि इस बुक में है मैप्स एंड एटलस। तो व्हेन वी ड्रॉ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर, इट इज कॉल्ड अ मैप। जब हम ड्रॉ करते हैं द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, या धरती का इसका कुछ भाग ऑन अ फ्लैट सरफेस, जैसे पेपर हुआ फ्लैट सरफेस पर, तो वह जो है मैप कहलाता है। अ मैप इज सिंपली अ ड्रॉइंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर। मैप जो होता है वह ड्रॉइंग होता है ऑफ एनी पार्ट, किसी भी भाग का, धरती के किसी भाग का, ऑन अ फ्लैट शीट और ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर। अब आइए, मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मैप्स जो है वह ड्रॉन किया जाता है, मतलब वो मैप जो है वह बनाया जाता है वो क्या चीज के लिए, टू शो अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वह जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दिखाने के लिए। इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम अ स्केच फॉर अ विजिटर टू फाइंड योर स्कूल और अ डिटेल्ड मैप ऑफ अ टाउन और अ माउंटेन रेंज। अब देखिए, यह हो सकता है कोई भी चीज़ का मैप हो सकता है, या फिर इसमें जैसे दिया गया टाउन का, सिटी का, या फिर स्कूल का, किसी भी चीज़ का जो है आप जो है उसका मैप बना सकते हैं। वेन मैप्स आर पुट टुगेदर, जब मैप को जो है एक साथ रखा जाता है द फॉर्म ऑफ बुक, मतलब ये बुक के रूप में, किताब के रूप में, तो वह जो है एटलस कहलाता है। यानी अब देखिए, मैप्स आर यूज टू शो द वर्ल्ड, अ कॉन्टिनेंट, अ कंट्री और अ स्मॉल नेबरहुड, मैप्स का प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए द वर्ल्ड यानी दुनिया को, अ कॉन्टिनेंट यानी महादेश को, उसके बाद कंट्री यानी देश को, और स्मॉल नेबरहुड और एक छोटे से पड़ोस को, दिखाने के लिए जो है मैप का प्रयोग किया जाता है। मैनी डिटेल्स आर शोन ऑन मैप्स, मैप्स में जो है कई तरह के डिटेल्स दिए जाते हैं। अब देखिए, लेट अस लर्न अबाउट ग्लोब्स एंड मैप्स एट अ ग्लैंस, अब इसमें जो है ग्लोब और मैप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, जैसे दिया गया ग्लोब्स, ग्लोब शो सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, मतलब ग्लोब जो है धरती का कुछ ही भाग जो है एक समय में दिखा तो उसमें देखा जा सकता है, और मैप शो पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, मैप में जो है वह दिखाया जाता है धरती का जो है वह पूरे भाग को जो है एक समय में। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब जो होता है वह धरती का एक नमूना होता है। और मैप इज अ स्मॉल ड्रॉइंग ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ, और मैप जो होता है स्मॉल ड्रॉइंग होता है पार्ट ऑफ द अर्थ, धरती का वह जो है छोटा सा जो है किसी धरती का जो है कोई पार्ट बनाया जाता है उसमें। स्मॉल ग्लोब्स डू नॉट हैव मैनी डिटेल्स, छोटा सा जो ग्लोब होता है उसमें कई डिटेल्स जो है कई जानकारियाँ नहीं होती हैं। बिग ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू कैरी, और बड़ा सा ग्लोब जो होता है उसे कैरी करने में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लाने और ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। मैप्स आर इजी टू कैरी, मैप्स जबकि मैप्स जो है वो आसानी से कैरी किया जा सकता है। मोस्टली मेड ऑन पेपर एंड कैन बी फोल्डेड और रोल्ड,
प्रायः मेड ऑन पेपर जो कि पेपर पे बनाया जाता है उसे तुम जो है वो फोल्ड कर सकते हो या फिर रोल बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। वी आर इन द ग्लोब टू सी ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, हम लोग जो है धरती के पूरे भाग को देखने के लिए क्या करते हैं तो ग्लोब को घुमाते हैं। सो इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर प्लेसेस ऑन अ ग्लोब। अब देखिए मैप शो डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ ऑन वन फ्लैट पीसेस ऑफ या पीस ऑफ पेपर, देयरफॉर इट इज इजी टू कंपेयर प्लेसेस ऑन मैप्स। अब आइए अब मैं आपको बता रहा हूँ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशियन जिसका अर्थ होता है महासागर और कॉन्टिनेंट्स जिसको महादेश कहते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, अब देखिए वर्ल्ड का जो मैप है इसमें बताया गया है कि दुनिया के मैप को देखिए, मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ वाटर एंड द रिमेनिंग विथ लैंड मासेज, धरती का बहुत सारा भाग जो है वह जल से ढका हुआ है और कुछ भाग जो है वह लैंड मास भी है। अब ग्लोब और मैप शोज द सेम फीचर्स ऑफ द अर्थ, ग्लोब और मैप जो है वह दिखाता है सेम फीचर्स मतलब सेम एक जैसी विशेषताएं ऑफ द अर्थ धरती की। अब ऑन द मैप यानी मैप पर वी कैन सी दैट द लार्ज लैंड मासेज आर कलर्ड इन ग्रीन एंड ब्राउन, मैप में जो है हम लोग देख सकते हैं लैंड मास को वह ग्रीन या फिर ब्राउन कलर में हो सकता है। दीज लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, ये जो लैंड मासेज है भूमि का इलाका होता है वह कॉन्टिनेंट्स कहलाता है मतलब महाद्वीप या फिर उसे महादेश भी कह सकते हैं। द अर्थ हैज सेवन कॉन्टिनेंट्स, धरती की बात पर जो है वह सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं। अब देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। दीज कॉन्टिनेंट्स आर मैनी कंट्री, इन जो इन महादेशों में कई देश होते हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया जो है सबसे बड़ा महादेश है और ऑस्ट्रेलिया वो सबसे छोटा। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जो है वह एक देश भी है। इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, हमारा देश भारत जो कि एशिया महाद्वीप में है। ऑन द मैप यानी मैप पर वी कैन सी हम लोग देख सकते हैं दैट द लार्ज वाटर बॉडीज आर मार्क्ड इन ब्लू, मतलब जल वाले भाग को जो है वह ब्लू यानी नीले रंग में दिखाया जाता है। द वाटर इज इन फॉर्म ऑफ ओशियन सीज रिवर्स लेक्स एंड ग्राउंड वाटर, यानी जल का जो भाग है वह ओशियन के रूप में सब यानी महासागर सीज यानी समुद्र के रूप में, रिवर्स नदियों के रूप में, लेक्स झील के रूप में या फिर ग्राउंड वाटर के रूप में होते हैं। द लार्जेस्ट एरियाज कवर्ड विथ वाटर आर कॉल्ड ओशियन, अब देखिए द लार्जेस्ट एरिया मतलब विशाल सा भाग जो कि ढका हुआ रहता है वह जल से वह जो है ओशन कहलाता है मतलब महासागर कहलाते हैं। अब देयर आर फाइव ओशियन यानी महासागर जो है वो पांच हैं। अब कौन कौन सा वो आपको मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, द पैसिफिक ओशियन, उसके बाद द अटलांटिक ओशियन, इसका द आर्कटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन। अब देखिए द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन जो होता है वो सबसे विशाल महासागर है, बड़ा सा महासागर है। तो ओशियन दैट सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज कॉल्ड द साउदर्न ओशियन, दिया गया ओशियन दैट सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, वह महासागर जो घेरे हुई है ये कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को वह साउदर्न ओशियन है। द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री, इंडियन ओशियन का नाम जो है हमारे देश के नाम, हमारे देश का नाम भारत के नाम पर रखा गया। अब देखिए दिया गया फाइंडिंग डायरेक्शंस ऑन अ मैप, यानी मैप में जो है हम दिशा कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में। अब दिया गया मैरिनर्स कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी एक कंपास होता है दिशा ढूंढने के लिए, कंपास रोज का प्रयोग किया जाता है, वह उसका जो वह हमेशा उसका पॉइंट जो है वह नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जो है दिया जाता है। व्हेन वी रीड अ मैप, जब हम मैप को पढ़ते हैं तब द टॉप ऑफ द मैप वाज नॉर्थ, सबसे ऊपर का हिस्सा जो है जैसे यहाँ पे वर्ल्ड रहा है, देखिए मैप ऑफ द वर्ल्ड और ये मैरिनर्स कंपास है, यहाँ पे कंपास बोल है, इसका सबसे ऊपर का भाग जो है इसमें भी देखिए सबसे ऊपर का भाग होगा मतलब टॉप वाला भाग वह जो है नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। इसमें बताया गया कि टॉप ऑफ द मैप वाज नॉर्थ, द बॉटम वाज द साउथ, और बॉटम मतलब ठीक इसका अपोजिट, इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे एस लिखा हुआ है यानी साउथ, इसमें भी दिया गया कंपास रूल में सबसे ऊपर का भाग हो गया एन मीन्स नॉर्थ और उसके बॉटम में हो गया एस मीन्स साउथ। इसके बाद टू द राइट साइड इज द ईस्ट, और राइट साइड जो होता है इसका मतलब राइट यानी दाहिने तरफ जो होता है वह ईस्ट हो गया यानी पूरब, और ठीक उसके अपोजिट लेफ्ट साइड में जो होता है वह वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम। द मेन डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड डिफरेंट प्लेसेज ऑन अ मैप, मेन डायरेक्शन जो होते हैं वो हमें मदद करता है टू फाइंड डिफरेंट प्लेसेज, विभिन्न जगहों को ढूंढने में ऑन अ मैप। अब आइए लेट अस सी वेयर द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस आर लोकेटेड ऑन वर्ल्ड मैप यूजिंग अ कंपास रूल, यहाँ पे ओशियंस कहाँ है जैसे वर्ल्ड मैप ये रहा,
इसमें आपको कह रहा है कि लेट अस सी वेयर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, इसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशियन कहां पर स्थित है, ये वर्ड मैप है, इसमें कंपास रूल का प्रयोग करके। तो आप जितना ब्लू वाला भाग देख रहे हैं, ब्लू नीले कलर से जो किया गया है वह जो है वाटर बॉडीज को दर्शाता है, मतलब यहाँ पे जलवायु वाला भाग, और अलग डिफरेंट कलर जो है ग्रीन और फिर ब्राउन में वह लैंड मासेज को दिखला रहा है, मतलब वो कॉन्टिनेंट्स। अब आइए नॉर्थ अमेरिका लाइज बिटवीन टू लार्ज वाटर बॉडीज, नॉर्थ अमेरिका जो कि स्थित है दो वाटर बॉडीज के बीच में, एक है द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन, इस दोनों ओशन के बीच में नॉर्थ अमेरिका स्थित है। इट लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, यह जो है लाइज स्थित है ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, मतलब पैसिफिक ओशन के ईस्ट में, एंड द वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। साउथ अमेरिका आल्सो लाइज बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका जो है वह भी ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है। अब आइए अफ्रीका इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स ऑफ ओशन, अफ्रीका जो कि तीन साइड जो है वो ओशन महासागरों से घिरा हुआ है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन है, साउदर्न ओशन। यूरोप इज ऑन द ईस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन एंड साउथ ऑफ द आर्कटिक ओशन, यूरोप जो है वह ईस्ट में अटलांटिक ओशन से और दक्षिण में आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। द अटलांटिक ओशन सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक ओशन जो है वो अलग करते हैं यूरोप को व नॉर्थ अमेरिका से। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप शेयर्स इट्स ईस्टर्न बॉर्डर विद द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया हैज द पैसिफिक ओशन टू इट्स ईस्ट एंड द इंडियन ओशन टू इट्स साउथ। देखिए एशिया इसके जो है द पैसिफिक ओशन टू ईस्ट, इसके पूर्व में जो है पैसिफिक ओशन एंड द इंडियन ओशन टू द साउथ, और इंडियन ओशन इसके साउथ में दक्षिण में है। द पैसिफिक ओशन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम द आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशन जो है इसे अलग करती है एशिया को फ्रॉम द आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय द थ्री ओशियंस, नेमली द इंडियन ओशन लाइज टू इट्स वेस्ट, द पैसिफिक ओशन टू इट्स ईस्ट, एंड द साउदर्न ओशन टू इट्स साउथ। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जो कि सराउंडेड है, घिरा हुआ है थ्री ओशियंस, तीन महासागरों से, जिसमें इंडियन ओशन जो कि इसके पश्चिम में है, पैसिफिक ओशन इसके पूर्व में है, एंड साउदर्न ओशन साउथ में है। इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, या मैंने अभी पहले भी बताया था भारत जो है वह एशिया महादेश में स्थित है। अंटार्कटिका लाइज ऑन द साउथ पोल, अंटार्कटिका जो कि साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव में पर है, इट इज सराउंडेड बाय द साउदर्न ओशन, यह साउदर्न ओशन से घिरा हुआ है। इट इज ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड विद आइस, यह लगभग में कवर्ड होता है आइस के बर्फ से ढका रहता है। नो ह्यूमंस लिव इन अंटार्कटिका परमानेंटली, कोई भी मानव जो है परमानेंट स्थायी रूप से जो है अंटार्कटिका में नहीं रह सकते, बिकॉज यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर सालों भर जो बर्फ जमी रहती है। ओके, तो अभी मैंने आपको यह जो है चैप्टर थ्री ग्लोव्स एंड मैप्स इसका रिविजन करवाया, इसमें अब देखिए कुछ एक्सरसाइज भी है जो मैंने आपको इसे पहले भी बताया है, अभी मैं उसको उसका जो आंसर के साथ आपको बोल करके बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर एक, नेम द फॉलोइंग द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, बताना है एशिया, एंड ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इंडियन ओशियन, कॉन्टिनेंट दैट लाइज टू द ईस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन एंड टू द साउथ ऑफ आर्कटिक ओशियन, तो बताना है यूरोप, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शन, तो इसका आंसर होगा कंपास, द आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। अब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर भी मैं इसका भी मैं आंसर के साथ बोल रहा हूँ। देखिए लार्ज वाटर बॉडीज क्या कहलाता है, लार्ज वाटर बॉडी वह ओशियन, यानी इसका टू, अब है कलेक्शन ऑफ मैप्स, इसका हो जाएगा एटलस, द लार्जेस्ट ओशियन, इसका कहेंगे आप पैसिफिक ओशियन, मॉडल ऑफ द अर्थ तो आपको बताना है ग्लोब, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताना है एशिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी में, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, जो वाक्य सही है उसके लिए आपको टी लिखना है और जो वाक्य गलत है उसके लिए एफ लिखना है। देखिए ओशियंस आर लार्ज लैंड मासेस, नो ओशियन लैंड मास नहीं होता है, वो तो वाटर बॉडी है ना, तो ये फॉल्स हो गया। द अर्थ लुक्स ग्लोब एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, यस ट्रू लिखना है, ग्लोब्स आर फ्लैट ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ, नो इसमें ये फॉल्स हो गया, द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, यस ट्रू, a book of map is called an atlas, yes that be true hai. Abhi yahan pe question number d mein answer the following question jo exercise ko ya maine aapko se pehle karwaya hai, aap ise learn kijiyega. Okay, to abhi maine aapko globes aur maps ke bare mein kuch jankariyan di hai, wo maine revision karwaya hai, to main ummeed karta hu ki aap dekh kar ke jo ya video dekh kar ke ise achhi tarah se samajh gaye honge. Thank you.